हाय, मैं रचना वर्मा। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए मुहावरे के साथ आई हूँ, जो कि है अंत भला तो सब भला। लेकिन मैं इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको ये मुहावरे पसंद आ रहे हैं, या आपके काम के हैं, या आपके बच्चों के काम के हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंत भला तो सब भला, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का परिणाम अच्छा होना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हरि अपनी छमाही परीक्षा में हिंदी में अनुत्तीर्ण हो गया था, लेकिन उसने वार्षिक परीक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब अंत भला तो सब भला। और इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मीनिंग इफ समथिंग एंड्स ऑन गुड नोट देन वॉट एवर हैपन बिफोर दिस होल्ड्स नो बैड। यूजेज इन सेंटेंस, हरि गॉट फेल इन हिंदी ड्यूरिंग हिज यूनिट टेस्ट बट इन फाइनल एग्जाम ही गॉट 100 on 100 मार्क्स। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल।